नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपके लिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर मेटेलिक एलिमेंट्स, जो हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं मेटेलिक एलिमेंट्स के लिए, वो मेनली बीसीसी, एफसीसी, एससीपी होते हैं। तो आज इसके बारे में जानेंगे, बीसीसी, एफसीसी, एससीपी क्या है और कौन कौन से मेटल्स के लिए है जो ये पाए जाते हैं। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो आइए जानते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में। फर्स्ट, क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर मेटेलिक्स। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर फॉर मेटेलिक्स, इसके बारे में जानने से पहले हम क्रिस्टल के बारे में जान लेंगे। क्रिस्टल क्या होता है? तो ये क्रिस्टल इज ए सॉलिड इन विच एटॉम्स आर अरेंज्ड इन पीरियडिकली रिपीटिंग पैटर्न इन ऑल डायरेक्शन। जो हमारे क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं या सॉलिड्स में क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें जो हमारे एटॉम्स होते हैं, जो एक एक एटॉम्स मिलके हमारा एक क्या बनाता है, यूनिट सेल बनाता है। तो एटॉम्स आर अरेंज, इसमें एटॉम हमारे हैं वो अरेंज होते हैं पीरियडिकली रिपीटिंग पैटर्न और थ्री डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में वन बाय वन, एक हमारे सिस्टेमेटिक रिपीटिंग पैटर्न में हमारे जब अरेंज होते हैं एटम्स, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल कहते हैं। तो द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ यूनिट सेल विद विच मेटेलिक एलिमेंट क्रिस्टलाइज आर। जो हमारे कॉमन टाइप के यूनिट सेल होते हैं जिसमें हमारे मेटेलिक एलिमेंट्स हैं जो क्रिस्टलाइज होते हैं, वो हमारे बीसीसी, एफसीसी और एचसीपी होते हैं। फर्स्ट, बीसीसी। बीसीसी जो है इसको हम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के नाम से भी जानते हैं। बीसीसी है जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर का डायग्राम दिया हुआ है जिसमें सभी कॉर्नर पे एक एक एटॉम दिखाया है और एक हमारा होता है सेंटर पे, क्योंकि बीसीसी। तो इन बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर द वन एटॉम आर लोकेटेड ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब। जो ये क्यूब है इसके सभी कॉर्नर पे एक एक एटॉम्स होता है, एंड वन एटोम इट एट सेंटर, एक एटोम इसके कहाँ पर होता है, सेंटर पर पाया जाता है। और इस प्रकार का जो यूनिट सेल है ये हमारा सोडियम, लिथियम, बेरियम, वैनेडियम, मोलोवेनेडियम, इस तरह के धातुओं में हमारा ये स्ट्रक्चर है जो कि पाया जाता है, जिसको हम बोलते हैं बीसीसी स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। दीज स्ट्रक्चर फाउंड इन मेटल्स लाइक सोडियम, लिथियम, बेरियम, वैनेडियम एंड मोलोवेनेडियम। तो इसको हम किस नाम से जानते हैं, बीसीसी। ओके, सेकंड है फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। फेस सेंटर्ड, अब बात आती है फेस, मतलब हर फेस के सेंटर पे भी एक एटॉम होगा और इसके कॉर्नर पे तो होगा ही, तो जिसको हम फेस से जानते हैं। तो फेस, ये हमारा फेस, मतलब हर फेस के सेंटर पे एक एटॉम आपका होगा। तो इन फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर द वन एटॉम्स आर लोकेटेड एट द ईच कॉर्नर ऑफ द क्यूब। एक तो क्या है कि सभी कॉर्नर पे एक एक एटॉम्स होता है, दूसरा एंड वन एटॉम एट द सेंटर ऑफ ईच फेस, प्रत्येक फेस पे, हर फेस पे एक एटॉम्स है जो कि हमारा रहता है। तो दिस टाइप ऑफ यूनिट सेल फाउंड मेटल्स लाइक कॉपर, जैसे कि हमारा कॉपर हो गया, तांबा, सिल्वर हो गई, चांदी, सोना, एल्युमिनियम, ये जो हमारे मेटल्स होते हैं, इन मेटल्स में हमारा जो स्ट्रक्चर पाया जाता है वो हमारा कौन सा होता है, एफ सी सी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर। ओके, लास्ट है हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, एच सी पी, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो जो हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होता है, इन हेक्सागोन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर वन एटोम लोकेटेड एट ईच ऑफ दी 12 कार्नर्स ऑफ हेक्जागोन। जो इसकी 12 हेक्जागोन की कार्नर है, ऊपर की, नीचे की, इन 12 कार्नर्स पे एक एक एटोम होता है, एंड वन एटोम एट द सेंटर ऑफ टू हेक्जागोनल फेस। इसका जो सेंटर है, दोनों टॉप का और बॉटम का, इनके दोनों फेस पे सेंटर पे एक एक एटोम और होता है। एंड इस प्रकार का जो यूनिट सेल है ये हमारा पाया जाता है जिंक, मैग्नीशियम, बेरिलियम इत्यादि, इन धातुओं में हमारा कौन सा स्ट्रक्चर होता है, एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर है जो कि हमारा होता है जिंक, मैग्नीशियम, बेरिलियम इत्यादि।
ओके, तो ये हमारे क्या थे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर। ओके दोस्तों, थैंक यू।